ऑनेस्टली अगर आपकी डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं, सिर्फ ये है कि आप अपनी स्किन की हेल्थ को मेंटेन रखें कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई ना लगे, वो आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड ना लगे, क्योंकि डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है वो तो आई मीन यू आर बॉर्न विद इट अनफॉर्चुनेटली, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती हैं ना कुछ किस्म की फेयरनेस क्रीम्स, आई एम नॉट श्योर वेदर दे रियली वर्क और नॉट, लेकिन ये है कि यू नो आई मीन इट्स ओनली अ मैटर अगर आप अपनी स्किन की हेल्थ को आप अच्छा रखें, उसको आप मॉइस्चराइज रखें हर वक्त, अगर आप भले आप थोड़े से शिमर पाउडर इस्तेमाल करें उसके ऊपर ताकि ये कि आपका फेस ग्लो करे, एंड ऑफ कोर्स ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, तो उससे जो है वो अगर आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी है तो आपका फेस का नेचुरल ग्लो जब आता है तो वो कोई भी रंग हो, भले डार्क हो या भले फेयर हो, आई थिंक दैट इट्स इट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस, योर स्किन शुड जस्ट लुक हेल्दी। बट इवन देन अगर आप कुछ ट्राई करना चाहती हैं, आप आई वुड नॉट रियली सजेस्ट कि आप कॉन्स्टेंटली ब्लीच करें, लेकिन ये कि नेचुरल स्क्रब्स होते हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं, और यू नो वंस इन अ वाइल आप ब्लीच कर सकती हैं, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ योर स्किन, वो आपका कलर ऑफ योर स्किन इज गोइंग टू रिमेन द सेम, बट लाइक आई सेड द हेल्थ ऑफ योर स्किन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।